हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यम्मी ब्रेकफास्ट बनने वाला है। आज उपमा बनने वाला है ब्रेकफास्ट में, तो ये सबके लिए बनने वाला था, हम सबके लिए, मीन्स इनके टिफिन के लिए भी और हमारे खाने के लिए भी। तो ये मैं बना रही हूँ उपमा, और उपमा हम सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चों की भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बट बच्चों के पापा थोड़ा सा वो करते हैं उपमा खाने में, क्योंकि उनको ना उनके गले में ही फंसता है, बोलते हैं वो, इसलिए उन्हें इतना पसंद नहीं उपमा। फिर भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा, मतलब थोड़ी सी मूँगफली डाली है। वो अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद मैंने जीरा राई डाला था उसमें, और फिर कड़ी पत्ता डाला था। और ये जो कड़ी पत्ता है ना, वो घर के ही पौधे का है। हमारे घर पर छोटा सा एक पौधा है कड़ी पत्ते का, उसमें से ये कड़ी पत्ता मैं तोड़ के लाती हूँ। कभी कभी तोड़ती हूँ, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा पत्ते भी नहीं है, इसीलिए बहुत कम तोड़ती हूँ। और कभी ज़्यादा ही इमरजेंसी रही तभी तोड़ती हूँ मैं उसमें से। और आपने नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी, बहुत छोटा सा पौधा है। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि प्याज मुझे इसमें ना उपमा में बहुत ज़्यादा पसंद है, प्याज ज़्यादा डालना। इसी वजह से मैंने छोटे साइज़ के दो प्याज काट लिए थे यहाँ पे। तो प्याज अच्छे से हो जाने के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, क्योंकि हल्दी भी ऐड नहीं करता है, सफ़ेद उपमा बनाता है, बट मैं हल्दी ऐड करती हूँ। कभी कभी सफ़ेद भी उपमा बना लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है मेरा। तो मैंने हल्दी ऐड की है, उसके बाद ये माइक्रोवेव कर लिया था सूजी को, तो माइक्रोवेव में थोड़ा सा भून लिया था सूजी को, तो इसीलिए थोड़ा सा कम भूनना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पर ना मैं एक मेन इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ इसमें, जो कि है नींबू शहद। नींबू शहद मैं इसलिए डालती हूँ, थोड़ी सी खट्टी टेस्ट आने के लिए नींबू शहद डालती हूँ। आपके पास नींबू है तो आप नींबू भी निचोड़ सकते हो उसमें, बट नींबू शहद डालने से ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो नींबू शहद डाल दीजिए, फिर नमक डाल दीजिए, और उसके बाद चीनी डाल दीजिए, तो ये खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा इसका, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा उपमा। इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगने वाला है उपमा। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी डाल दिया है, और मैंने ना थोड़े से साइड में निकाल के रखा था ये कढ़ाई, तो इसी वजह से वो गर्म पानी डालने के बाद ना आवाज़ जो आती है वो नहीं आई, तो एकदम से बबल आने लगते हैं ना, वो इसी वजह से नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर गर्म पानी किया था साइड में, क्योंकि मेरा चाय बन रही थी साइड में। मैंने ना मतलब कढ़ाई निकाल दी थी इस पे से, और उस पे पानी गर्म कर दिया था। तो यहाँ पर मेरा उपमा रेडी है, थोड़ी देर मैंने भाप ले ली है उसे, और अच्छे से बन गया है यहाँ पे, देख सकते हो आप। और थोड़ी देर में खुला खुला बन जाएगा ये, थोड़ी देर, ज़्यादा ही खुला इनको पसंद नहीं है, इसी वजह से ऐसे बनाती हूँ। नहीं तो अगर ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी ना तो ज़्यादा ही खुला बन जाएगा, तो वो तो और भी ज़्यादा गले में फंसेगा इनके। तो वैसे भी ये बोलते हैं कि नहीं, मेरे गले में फंसता है उपमा, इसीलिए नहीं खाते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर उपमा रेडी है हमारा, भाप भी आ गई है उसे, बहुत अच्छे से स्टीम आ गई है। और उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है धनिया पत्ता, और अच्छे से चला लूँगी। और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा यम्मी बनता है ऐसे, अगर आप बनाते हो तो बहुत ज़्यादा खट्टी मीठी टेस्ट आती है उसकी, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो बस ये प्लेट जो है इनके लिए निकाली है नाश्ते के लिए, अभी घर पर नाश्ता करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा उपमा टिफिन में भी लेके जाएंगे। ये अभी टिफिन भर लूँगी इनका, और टिफिन में भी हो जाएगा, उसके बाद ये जो है बचा हुआ हम लोग खा लेंगे, बच्चों और मैं। तो बस इतना हो जाएगा हमारा नाश्ता इसमें, और बहुत ज़्यादा फुल रखता है ये उपमा, अगर आप खाते हो नाश्ते में तो काफ़ी देर तक आपका पेट फुल रहता है। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, इसी वजह से सूजी में फाइबर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उपमा बहुत देर तक आपको फुल रखता है। तो आपको अगर वेट लॉस करना है या कुछ, तो कम ऑयल में उपमा बनाइए, और थोड़ी सी वेजेस और ज़्यादा डाल दीजिए उसमें, तो वो वेट लॉस के लिए भी हो जाएगा। और यहाँ पर चाय भी बन गई है हमारी, तो हम लोगों ने चाय पी ली थी। तो बस यहाँ पर ये चले गए थे ड्यूटी, और ये हो रहा है अद्विक और माही के लिए गर्म दूध। तो ये माइक्रोवेव में गर्म कर लिया है मैंने दूध, और कुछ लोग बोल रहे थे कि सिर्फ गर्म ही करती हो क्या पानी और ये सारी चीज़ें माइक्रोवेव में, तो माइक्रोवेव में बनाती हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ मैं, मुझे बेकिंग वगैरह की चीज़ें नहीं आती हैं। आप लोगों को तो पता ही है मैं बेकिंग में कितनी ज़्यादा वीक हूँ, मैंने एक दो बार केक बनाए थे तो कैसे बने थे आप लोगों को तो पता ही है, मैंने कितने तीर मारे थे उसमें, तो वो वैसा ही होता है, मैं बेकिंग में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे बेकिंग आती ही नहीं है कुछ भी, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ। पिज़्ज़ा वगैरह बनाती हूँ तो वो उसमें बनाती हूँ माइक्रोवेव में, बट आपको दिखाने के लिए मैं इसी वजह से तवे पर दिखाती हूँ, क्योंकि सबके घर में माइक्रोवेव नहीं रहता है, इसलिए मैंने इसके पहले भी बोला था
आपको कि यार सबके घर में माइक्रोवेव नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसी रेसिपी आपको दिखानी पड़ती है कि जो आप सभी बना सको। इसीलिए मैंने जो पिज़्ज़ा बनाया था या ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था या सैंडविच बनाए थे, वो सारी चीज़ें मैंने तवे पर बनाई थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मेरे पास है वो चीज़ें सबके पास होगी। तो इसीलिए मैं ऐसी रेसिपीज़ दिखाती हूँ कि जो सब लोग बना सकें और ईजी जाए सबको बनाना, मतलब सोचना ना पड़े उसे बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर तवे पर या कढ़ाई में दिखाती हूँ आपको बनाते हुए केक वगैरह या सब कुछ। तो वो इसलिए नहीं कि मुझे माइक्रोवेव चलाना नहीं आता या माइक्रोवेव में कुछ बनाना नहीं आता, इतनी ज़्यादा भी हार्ड डिशेस मुझे बनानी नहीं आती माइक्रोवेव वाली, बट मुझे सीखना है, बट टाइम ही नहीं मिलता है यार, कामों से और वीडियो से, एडिटिंग से, इस सारी चीज़ों से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बट मैं सीखना चाहती हूँ ऐसे थोड़ी सी वो एडवांस चीज़ें, जैसे कि मुझे आ जाए माइक्रोवेव में बनाना। बट अभी लॉकडाउन में कौन सिखाएगा, और लॉकडाउन में सिखाने की भी बात नहीं है, बट मुझे बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। आप लोग तो देखते हो कि इतना ज़्यादा मैं बाहर जाती नहीं हूँ, और बहुत कम बाहर जाती हूँ, कभी कभी ज़्यादा ही इमरजेंसी रही तभी बाहर जाती हूँ, वरना बाहर जाने का टाइम ही कहाँ मिलता है। तो ऐसे होता है, और आज बाहर जाने वाली हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी बाहर जाओ, बट श्रद्धा को आज बाहर जाना था, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो उसके साथ मैं भी चली जाती हूँ। तो इसीलिए आज मैं जाने वाली हूँ बाहर, और आपको दिखाई दूंगी कि कहाँ जाने वाली हूँ। थोड़े से ऐसी छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी है जो मुझे ऑनलाइन नहीं मिल रही है, तो ऐसे ही मुझे लेना है, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो बस ये काम ख़त्म कर लूँगी और उसके बाद मैं बाहर चली जाऊँगी श्रद्धा के साथ। और यहाँ पर मुझे आज डालना था ब्लैंकेट, एक एक चीज़ें मैं डालती हूँ एकदम से, कुछ भी मतलब काम नहीं करती हूँ मैं, मतलब मुझसे होता ही नहीं एकदम से काम, तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि एकदम से हार्ड काम नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे एक दिन में नहीं निकालती हूँ सारे कपड़े वगैरह ये वो, तो एक एक करके कभी ब्लैंकेट धो लिया, कभी पर्दे धो लिए, कभी क्या बोलते हैं सोफ़ा के वो कवर्स धो लिए, तो ऐसे करके मैं धो लेती हूँ एक एक दिन सारे दिन, मतलब एक कट्टा, किसी किसी आदत होती है कि एक कट्टा निकाल देते हैं सब, मतलब आदत नहीं वो होता है उनसे, इसी वजह से निकालते हैं, बट मुझसे नहीं होता है, बाकी के भी काम होते हैं। इसी वजह से मैं क्या करती हूँ कि साफ तो घर रखना ही है, और साफ़ सुथरा भी दिखना चाहिए, और वो भी होना चाहिए कि एकदम से लोड भी नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं क्या करती हूँ एक एक चीज़ें डालती रहती हूँ। तो आज मैं ब्लैंकेट डालूँगी, एक दो दिन के बाद मैं सोफ़ा कवर डालूँगी, तो कभी मैं कुछ डालती हूँ, तो ऐसे करके मैं वॉश कर लेती हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने आज ब्लैंकेट डाल दिया है, मतलब कपड़े ही इतने निकल जाते हैं, बच्चों के कपड़े दो टाइम नहाने के, और फिर वो बहुत सारा हो जाता है, मतलब बच्चों के कपड़े निकलते हैं, मेरे कपड़े निकलते हैं, इनके कपड़े रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं, तो ये सारे कपड़े रहते हैं। उसके बाद भी फिर एक्स्ट्रा कपड़े अगर निकालने हो, जैसे कि ऐसे ये हो गया, तो मैं फिर एक एक करके डालती हूँ यार, मुझसे नहीं होता है। तो इसीलिए फिर आज मैंने ब्लैंकेट डाल दिया, ये ब्लैंकेट वॉश कर लूँगी। और अभी मौसम भी ऐसा है कि थोड़ी सी हीवी चीज़ें वॉश करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब सूख नहीं रही है, तो दो दिन तो लग ही जाएंगे इसे ड्राई होने में, क्योंकि धूप बहुत कम आ रही है, धूप सुबह थोड़ी सी आती है, फिर बारिश हो जाती है, और थोड़ी सी धूप आती है, फिर बारिश हो जाती है, तो ऐसे हो रहा है मौसम यहाँ पे। और आपकी साइड में कैसा मौसम है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। हे गाइस, अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं जा रही हूँ कहीं बाहर। एक्चुअली कितने दिनों के बाद अभी बाहर जाने के लिए निकली हूँ, रेडी हो गई हूँ, और श्रद्धा के साथ जाना है मुझे बाहर, श्रद्धा वेट कर रही है घर पे। एक्चुअली मुझे ही कुछ लेना था, तो इसी वजह से वो चीज़ ऑनलाइन नहीं मिल रही है मुझे, इसी वजह से हम लोग अभी जाके आ जाते हैं, एक घंटे का काम है, जाके आ जाते हैं, बच्चों को वहाँ पर ही छोड़ूंगी अंकल आंटी के पास, बच्चे रह लेंगे, क्योंकि बाहर लेके जाने से कोई फ़ायदा नहीं है और बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, इसीलिए वैसे भी वो वहाँ पर रह लेते हैं, मैं एक दिन भी ना हूँ तो भी वो वहाँ पर रह लेते थे, इसीलिए कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर छोड़ने का। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, खाना सिर्फ इनके लिए बनाना है, बच्चे तो वहाँ पर ही खा लेंगे। तो अभी जाती हूँ वहाँ पे, श्रद्धा वेट कर रही होंगी, अभी निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, अभी लेट जाऊँगी तो उधर से आने में भी लेट हो जाएगा, तो इसीलिए अभी जल्दी जाती हूँ, जल्दी से जाके आ जाती हूँ, फिर घर पे इनके लिए खाना भी बनाना है। तो चलिए फिर निकलते हैं, अद्विक भी रेडी हो गया है, अद्विक वहाँ पर रहने वाला है, माही भी वहाँ पर रहने वाली, तो चलिए अभी जाती हूँ और मिलती हूँ वहाँ पर जाके आपसे। चलो अद्विक, चलो चलो
चलो फिर अब क्या जाएगा इसको बोलने का पट्टी अच्छे से पहनो ना गिर जाऊंगा ना चप्पल पहनते पहनते गिर जाओगे इतने से गिर जाओगे आप चप्पल पहनते पहनते हम्म मैं पहना तो इसकी चप्पल क्या होगी यही है वही है उसकी चप्पल बाप रे कितनी कसरत करनी पड़ रही है द्विक को चप्पल पहनने के लिए अरे वाह पहन ली चलो अब क्या बोला था ये देख आराम से लो तो किसने बोला था पापा ने देखना ध्यान से अब मैडम झाले का रेडी काकू गाइस फ्रेश हो गई हूँ और एक मिनट फैन ऑफ करती हूँ आपको फैन की ही आवाज़ आएगी नहीं तो फ्रेश हो गई हूँ अभी तो उधर से आ गई थी मैं डायरेक्ट घर पे बच्चों से मिली भी नहीं वहाँ पर गई और डायरेक्ट घर पे आ गई नहाना था मुझे इस वजह से और अभी जा रही हूँ बच्चों को लेने दोबारा से अंकल आंटी के घर तो बस मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ और बता देती हूँ बहुत प्यास लगी यार बाहर बहुत ज़्यादा धूप है और रश भी इतनी है मुझे लगा कि कोरोना की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी बट नॉर्मल हो गया है सारा कुछ किसी को डर नहीं रहा बिल्कुल कुछ भी अभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं डर रहे लोग थोड़ा सा मास्क वास्क लगा रहे हैं बट से एकदम फ्री रह रहे हैं हम लोग तो भी जिस शॉप में कोई नहीं था उसी शॉप में गए चलिए तो अभी निकलती हूँ बच्चों को लेके आती हूँ उसके बाद बात करती हूँ आपसे गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर आई तो श्रद्धा ने मेरे लिए ये प्लेट निकाल दी थी खाने के लिए मैं बच्चों को लेने के लिए आई थी क्योंकि मैंने ना घर पे खाना नहीं खाया था मैं जैसे ही वहाँ पर गई तो मैंने पहले सबसे पहले तो नहा लिया उसके बाद फिर मैं बच्चों को लेने के लिए आई थी तो यहाँ पर प्लेट निकाल दी थी उसने मेरे लिए खाने के लिए क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था तो यहाँ पर है वेजिटेबल पुलाव जो ब्राउन राइस का बनाया हुआ है और उसके बाद ये अचार है प्याज है और फिर नमक और मिर्ची है क्योंकि बहुत फीका बनाया था पुलाव तो इसी वजह से मिर्ची दी थी उसने और ये दही है कर्ड जिसने मैंने चीनी ऐड नहीं की है बस थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड किया है और ये है मेरा आज का लंच बस यहीं पे लंच करूँगी उसके बाद बच्चों को लेके घर पर जाऊँगी मैं आ गई हूँ घर पर और आज ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार पता नहीं जब भी मैं बाहर जाती हूँ मार्केट जाती हूँ या कहीं बाहर जाती हूँ ना तो इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कुछ काम नहीं करती हूँ कुछ नहीं फिर भी बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो आज ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ अभी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि आपको क्या बताओ और नींद का टाइम भी चला गया है और अभी ना बज रहे हैं 4:30 और मुझे तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि सो जाओ बट घर पे वहाँ पर काम चल रहा है सोफे का क्योंकि सोफे का जो नीचे का कपड़ा होता है वो थोड़ा सा निकल गया था हम लोग पोछा वगैरह मारते हैं ना तो नीचे ऐसे पोछा डालते हैं तो उसकी वजह से वो कपड़ा निकल गया था वो स्टेपलर से स्टेप किया होता है और वो निकल गया तो इसी वजह से वो रिपेयर हो रहा है और उसके लिए दूसरा कपड़ा लाया है और दूसरा कपड़ा वो लगा रहे हैं तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मैंने सोचा चलो थोड़ी सी लेट जाती हूँ बट कुछ ना कुछ काम निकल जाता है तो वहाँ पर जाना पड़ता है और मुझे ना नींद बहुत ज़्यादा आ रही है इसलिए पहले वो काम दिखा देती हूँ आपको कि क्या चल रहा है
आपने देख लिया कि यही काम चल रहा है। एक्चुअली सोफे का वो कवर निकल गया था, कवर कवर ही बोल रही हूँ मैं कितनी देर से, वो निकल गया था नीचे का कपड़ा, तो इसीलिए वो दूसरा लगाया है, आपने देखा तो वो दूसरा लगाया है। पर पता नहीं अब सोने के मिलेगा या नहीं, और कुछ काम निकलेगा तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। और हाँ, आज प्रिया बराठी की एनिवर्सरी है, मतलब जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा 30 को, तो उस दिन प्रिया बराठी की एनिवर्सरी है। तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर, और आपको आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ मिले और आप जो चाहो वो मिल जाए और आगे की लाइफ आपकी बहुत ही अच्छे से जाए, तो यही गॉड से प्रे करूँगी। तो चलिए फिर इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, और लाइक करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। अगर आपको ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। और इसके साथ मेरे दो चैनल और है, तो चाहो तो आप वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।